स्टे। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले पर सियासी संग्राम जारी है। भोपाल में कांग्रेस ने पैदल मार्च किया तो बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई। कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के भविष्य पर चिंता जताते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोपाल में गुरुवार को कांग्रेस का हल्ला बोल जारी रहा तो बीजेपी कांग्रेस नेताओं की भिड़ंत भी जमकर हुई। कांग्रेस नेताओं ने मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए अशोका गार्डन थाने तक पैदल मार्च किया। उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में सुंदरकांड का पाठ किया। उनके हाथों में सिंगार और कटारे के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां थी। पुलिस ने चौराहे पर बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेसियों को रोक दिया। यहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में टकराव हुआ। हंगामे के बीच कांग्रेस ने मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन पुलिस को सौंपा। जीतू पटवारी ने मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग की। सीएम दिग्विजय सिंह ने भी सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है नर्सिंग घोटाले में हो रही सीबीआई जांच पर भी उन्हें भरोसा नहीं है। सीबीआई को जांच मध्यप्रदेश सरकार ने नहीं सौंपी, माननीय हाईकोर्ट ने सौंपी। और ये डबल इंजन सरकार का जो डबल इंजन भ्रष्टाचार है, इसका माननीय अध्यक्ष जी ने इसका जिक्र किया है, उसमें सीबीआई के अधिकारी भ्रष्टाचार करते पाए गए, जिसमें इसके कुछ को बर्खास्त किया गया है। ये वही लोग हैं जो व्यापम से भी इन्होंने जांच की थी, तो सीबीआई पर भी भरोसा नहीं कर सकते। दरअसल नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक नजर आ रही है। एक ओर मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग हो रही है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कांग्रेसी सड़क पर उतर चुके हैं। उमंग सिंघार का कहना है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार विश्वास सारंग पर एफआईआर दर्ज करे और मंत्री से हटाए। हाल ही में हुए विधानसभा सत्र में भी कांग्रेस ने नर्सिंग घोटाले पर जमकर हंगामा किया था। नर्सिंग घोटाले में सीबीआई की जांच हो रही है, मामला हाईकोर्ट में है, लेकिन फिर भी सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश में नीट की परीक्षा नर्सिंग घोटाले को लेकर